हेलो बच्चे, कैसे हैं आप सब? वेरी गुड इवनिंग बच्चे, ठीक है ना? और दिवाली की छुट्टी हो ही गई होंगी लगभग लगभग आपकी, ठीक है ना? दिवाली अच्छा ही मना होगा। चलिए बच्चे, दिवाली के फेस्टिवल से बाहर निकलते हैं और अपन अपन फोकस करते हैं अपने टॉपिक पे, स्टडी पे, है ना? पटाखे वटाखे यार, मैं भी घर से आया। चलो ठीक है, बड़ा बातें हो गई, ठीक है? अगर कोई दिवाली की अभी बातें करने लगे ना तो पूरा टाइम निकल जाना है। खैर चलो कोई नहीं, स्टार्ट करते हैं बच्चे अपना लेक्चर, ठीक है ना? हियर आई एम रिशु गुप्ता, ओके, और यू आर विद ई कैरियर पॉइंट यूट्यूब चैनल बच्चे। और आज मेरा बच्चे लेक्चर नंबर 4 है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे। प्रीवियस लेक्चर में बच्चे हमने फ्री बॉडी डायग्राम पे पूली के कुछ सवाल किए थे, ठीक है ना? नॉर्मल फोर्स निकाले थे और बहुत सारी चीजें की थी जो इक्विलिब्रियम पे बेस्ड था, ठीक है ना? अभी इससे आगे भी बहुत सारी बातें करनी बाकी है, ठीक है ना? बट बहुत बेसिक बेसिक चीज अगर आपके पास क्लियर हो जाएगी बच्चे, तो आगे आने वाले सारे टॉपिक आपके चिटकू में निकलेंगे, ये मेरा वादा है आपसे, ठीक है ना? तो बच्चे लेक्चर नंबर 4 पे मैं एक छोटा सा बात, अभी आपने टेंशन फोर्स के बारे में पढ़ा, नॉर्मल फोर्स के बारे में पढ़ा, पुली में किस तरह से सिस्टम वर्क करते हैं उसके बारे में पढ़ा। एक नया मैकेनिक्स आपके पास इंट्रोड्यूस है जिसे मैं स्प्रिंग बोलता हूं। आज का पूरा लेक्चर बच्चे इस स्प्रिंग पे ही डिपेंडेंट है। आप देखे होगे, बहुत बार आप यूज भी किए होगे स्प्रिंग अपने डेली लाइफ पे, ठीक है ना? और बहुत ज्यादा यूजफुल भी है, ठीक है? बहुत सारी चीजें होती हैं। तो बच्चे यहां से अपन स्टार्ट करते हैं पहला लेक्चर, सर स्प्रिंग फोर्स। ध्यान से देखना बच्चे, अगर मैं आपसे सिंपली बोलूं, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछता हूं कि स्प्रिंग होता क्या है, तो आप क्या कहते हो? सर एक मेटल होता है, उस मेटल को क्या मैं राउंड 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 ऐसे करके एक सिस्टम बना देता हूं और ये स्प्रिंग की तरह बिहेव करने लगता है। बेसिकली स्प्रिंग होता क्या है बच्चे, आप अगर खुले स्प्रिंग में कोई फोर्स ना लगाओ, स्प्रिंग को टेबल पे शांति से रख दो, स्प्रिंग ना ही फोर्स लगा है ना ही स्प्रिंग फोर्स लगाएगा। स्प्रिंग पे बच्चे जब तक आप फोर्स नहीं लगाते हो ना, तब तक स्प्रिंग भी आप पे फोर्स नहीं लगाएगा। स्प्रिंग पे जैसे आपने फोर्स लगाना शुरू किया, स्प्रिंग तुरंत क्या करता है, उसका अपोज करना शुरू होता है। आप ध्यान से देखना, आप एक स्प्रिंग लेना, उसको दबाना, जब आप स्प्रिंग को दबाओगे उसको क्या करोगे, कंप्रेस करोगे, आपको लगेगा कि स्प्रिंग मुझे फोर्स बाहर की ओर लगा रहा है ना? ये फील करोगे आप दबाने की कोशिश करोगे तो आपके हाथ क्या होंगे, बाहर की ओर जा रहे होंगे, ठीक है ना? आपको लग रहा होगा कि स्प्रिंग मेरे हाथों को बाहर की ओर फेंक रहा है। तो स्प्रिंग को जब मैं कंप्रेस करता हूं तो स्प्रिंग फोर्स बाहर की ओर लगाता है। और ध्यान से देखना, स्प्रिंग को लो और खींच दो, स्प्रिंग को जब खींचोगे बच्चे तो आपको ऐसा लगेगा स्प्रिंग अंदर की ओर फोर्स लगा रहा है। तो एक चीज तो कंफर्म है, स्प्रिंग मेरे पास जब एक्सपैंड करता हूं या कंप्रेस करता हूं दोनों टाइम पे फोर्स लगाता है। कितना लगाता है अभी इसके बारे में बात करेंगे। यार ये स्प्रिंग ऐसा बिहेवियर क्यों करता है? अच्छा मेरे पास जो नॉर्मल फोर्स था ये किस तरह का फोर्स था? केवल धक्का दे सकता था, है ना? मेरे पास अगर मैं टेंशन फोर्स की बात करूं, ये केवल खींच सकता था। स्प्रिंग दोनों कर रहा है, स्प्रिंग को आप जब दबा रहे हो तो ये फेंक रहा है, जब आप इसको खींच रहे हो तो ये पास ला रहा है। दोनों तरह का फोर्स लग जाता है इसमें, ठीक है ना? अब बात करते हैं बच्चे स्प्रिंग होता क्या है, कैसे इसमें वर्क करता है। बेसिकली आप ये जब आगे चैप्टर आप पढ़ोगे सॉलिड, ठीक है ना, फिजिक्स में आएगा, उसमें एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आएगा, ठीक है? उसमें ये चीज पढ़ोगे, बस मैं यहां मतलब कॉन्सेप्ट उसमें पढ़ोगे, ठीक है ना? हुक्स लॉ जिसे मैं बोलता हूं, ठीक है ना, मैं बताता हूं हुक्स लॉ बेसिकली क्या होता है। हुक्स लॉ में उन्होंने क्या बोला कि अगर दो एटम आपस में हैं, इनको दूर ले जाते हो तो इन एटम के बीच में लगने वाले फोर्स इनको जितने डिस्टेंस पे ले गए, मतलब जितना एक्सपांशन किया, जितना कंप्रेस किया, उसके प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है ना? हुक्स लॉ वहां पर आराम से पढ़ेंगे, बस यहां पर मैं जो इंफॉर्मेशन दे रहा हूं समझ लेना कि ये सर्वज्ञ सत्य है, मैंने मान लिया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्प्रिंग बेसिकली ऐसा होता है कि एक मेटल होता है, उसको गोल गोल घुमा देते हैं और ये स्प्रिंग तैयार हो गया। अब बच्चे ध्यान से देखना, यहां पे देखना आप, मैं क्या करूं कि यहां पे एक मैंने इस स्प्रिंग पे कोई फोर्स लगाया। अभी बच्चे ये जो स्प्रिंग है ये अपने एल नॉट यानी नेचुरल लेंथ पे है, नेचुरल लेंथ पे है, ठीक है ना? नेचुरल लेंथ मतलब क्या है कि अगर आप स्प्रिंग को टेबल पे शांति से रख दो तो जो लेंथ है स्प्रिंग की वही मेरे पास स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ होती है। अब बच्चे जैसे ही मैंने फोर्स लगाया क्या ये स्प्रिंग एक्सपान हो जाएगा? भैया बढ़ जाएगा थोड़ा, और ऐसा तो नहीं कि इंफिनिटी टाइम तक बढ़ता हुआ चला जाएगा,
भैया स्प्रिंग को खींचे तो एक टाइम के खींचने के बाद स्प्रिंग रुक जाता है, रुक जाता है ना, तो एक टाइम के बाद खींचे खींचे एफोर्ट्स लगा स्प्रिंग रुक जाएगा, तो स्प्रिंग मेरे पास कैसा हो जाएगा बच्चे, क्या एक्सपांड हो गया, और यहां पे फोर्स मेरे पास बच्चे एफ लगा हुआ है। तो ध्यान से देखना, ये मेरे पास लेंथ था एल नॉट, और अब कितना एक्सपांशन हो गया इस पे, एक्सपांशन मैंने कर दिया एक्स। मतलब एक्स क्या है बच्चे, एक्स मेरे पास क्या है, एक्स मेरे पास इंक्रीज इन लेंथ है, यानी इंक्रीज इंक्रीज्ड लेंथ, इंक्रीज का मतलब एक्सपांशन लेंथ बोल लो, ये एक्स। और अगर एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में देखोगे तो बच्चे यहां पे जो ये फोर्स है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स के आएगा। ध्यान से देखना, आप फोर्स को बढ़ाओ तो क्या एक्स और बढ़ेगा, फोर्स को और बढ़ाओ क्या एक्स और बढ़ेगा। जैसे एग्जांपल के फॉर्म पे मैंने 10 न्यूटन का फोर्स लगाया यहां पे और स्प्रिंग यहां तक आ गया, अब मैंने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया तो स्प्रिंग और बढ़ जाएगा, 30 न्यूटन का फोर्स स्प्रिंग और बढ़ जाएगा। तो क्या स्प्रिंग में ये जो फोर्स लग रहा है एफ, क्या ये इस एक्स के प्रोपोर्शनल है। प्रोपोर्शनैलिटी हटाने के लिए आप एक कांस्टेंट लगाते हो जिसे मैं के बोल दूं, और ये जो के होता है बच्चे ये स्प्रिंग कांस्टेंट होता है। अच्छा बच्चे ये कांस्टेंट है तो ये केवल स्प्रिंग कांस्टेंट किस पर डिपेंड करेगा, क्या एक्सटर्नल फोर्स एक्स पर, नहीं, क्या एक्स पर, नहीं, ये कांस्टेंट है ये बच्चे केवल के डिपेंड करता है, ध्यान रखिएगा के केवल डिपेंड करता है प्रॉपर्टी ऑफ मेटल एंड लेंथ ऑफ स्प्रिंग। ये दो चीजें याद रखना, एक तो किस मेटल का बना है के उस पर डिपेंड करता है। जैसे मैं आपसे कहूं कि ये एक प्लास्टिक का बना है और एक मैंने स्प्रिंग आयरन का बना है, प्लास्टिक वाले में आप देखोगे 10 न्यूटन का फोर्स लगाओगे ज्यादा एक्सपांशन होगा, है ना। अगर आयरन का बना है उसमें 10 न्यूटन लगाओ कम एक्सपांशन होगा, यानी मेटल पे डिपेंड करेगा क्या इसका ये के, स्प्रिंग कांस्टेंट जिसे बोलता हूं। और दूसरा बच्चे लेंथ, कि स्प्रिंग जितनी लंबी होती है ना उसका स्प्रिंग कांस्टेंट उतना ही कम होता जाता है, यह भी अपन बात करेंगे आगे कैसे होगा, ठीक है ना। बस ये चीज समझ के रखना कि एफ इजिकल टू के एक्स होता है, एक्स क्या होता है इंक्रीज इन लेंथ। दूसरी चीज, अभी यहां पे बच्चे एक्सपांशन हो रहा है, जैसे मैंने अभी यहां एक्सपांशन किया तो मुझे बताना स्प्रिंग, हमेशा स्प्रिंग के पास दो चीज तो होती है, एक तो मैग्नीट्यूड होगा और दूसरी बच्चे डायरेक्शन होगी। मैग्नीट्यूड तो आपने निकाल लिया सर के एक्स होगा, डायरेक्शन कहां पे होगी, डायरेक्शन बच्चे अगर कंप्रेस किया हूं यहां पे अभी एक्सपांशन किया है ना, तो इसको एक्सपांशन आप कर लेना। अगर मैं बच्चे यहां पे स्प्रिंग एक्सपांड किया हूं, ठीक है ना, एक्सपांशन हुआ है स्प्रिंग में, तो देखना आप स्प्रिंग को यहां पे खींच रहे हो, स्प्रिंग को आप फोर्स यहां लगा रहे हो, तो आपको ऐसा लगेगा स्प्रिंग आप पे फोर्स यहां पे लगा रहा है, यानी एक्सपांशन के टाइम स्प्रिंग पे फोर्स कहां पे लगेगा बच्चे, अंदर की ओर लगेगा। यह चीज याद रहेगा, अगर मैंने स्प्रिंग को एक्सपांड किया तो स्प्रिंग फोर्स अंदर की ओर लगेगा। अब दूसरा चीज यहां पे देखना, ये मेरे पास एल नॉट था नेचुरल लेंथ, है ना, इस वाले कंडीशन पे एक्स एक्सपांशन किया है मतलब खींचा है, और इस वाले कंडीशन पे एक्स मैंने क्या भी है, क्या है बच्चे, कंप्रेस किया है। कंप्रेस कैसे करूंगा भैया, एक यहां पे स्प्रिंग है और इसको दबा दिया, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया, इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाऊंगा तो स्प्रिंग कब कैसा लगेगा बच्चे, बाहर की ओर। तो अगर मैं कंप्रेस किया हूं तो स्प्रिंग पे फोर्स किस डायरेक्शन पे लगेगा, बाहर की ओर लगेगा, ठीक है ना। ये चीज हमेशा याद रखना, अगर एक्सपांड किया तो अंदर की ओर, कंप्रेस किया तो बाहर की ओर, दो चीजें याद रहेंगी। स्प्रिंग की वैल्यू कितनी हुई के एच, एक्स क्या है नेचुरल लेंथ से कितना कंप्रेस हुआ या कितना एक्सपांशन हुआ, ये ठीक है ना। डायरेक्शन आपको पता है, के की वैल्यू पता। अच्छा के का एसआई यूनिट पूछूं क्या होगा सर, न्यूटन इसका एसआई यूनिट होता है, एक्स मीटर में आएगा, तो के का एसआई यूनिट न्यूटन पर मीटर में होगा, क्या ये बात याद रहेगा। तो ये कुछ बातें हैं जो आपको याद रखनी है, समझनी है, ठीक है ना, कोई दिक्कत इसमें।
अभी नहीं सर। स्प्रिंग फोर्स डिपेंड किस पे करता है? स्प्रिंग फोर्स आपको पता है स्प्रिंग मेरे पास क्या होता था, के एक्स। अब ध्यान रखना एक्स मेरे पास क्या होता है, कंप्रेशन, कंप्रेशन भी हो सकता है और एक्सपांशन भी हो सकता था, एक्सपांशन इन स्प्रिंग, ठीक है ना, कि कितना कंप्रेस हुआ अपने नेचुरल लेंथ से, स्प्रिंग फ्रॉम इट्स नेचुरल लेंथ, ठीक है ना। ये आपको चीजें याद रखनी है सर। ये तो चीज पता चल गया, डायरेक्शन, डायरेक्शन आपको हमेशा याद रहेगा कि सर स्प्रिंग को अगर मैंने क्या किया है, एक्सपांड किया है, मतलब इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाया हूं, तो स्प्रिंग फोर्स कितना लगेगा सर, एफ एस कितना लगेगा, के एस किस डायरेक्शन में सर, अंदर की ओर। अगर स्प्रिंग को मैंने बच्चे कंप्रेस किया है, कंप्रेस किया है कितना, एक्स कंप्रेस किया है, तो स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा बच्चे, बाहर की ओर, कितना लगेगा सर, के एक्स ही लगेगा, ठीक है। डायरेक्शन पता अपने को, ये सारी चीजें पता, स्प्रिंग के बारे में सब कुछ हो चुका है, इतना सारी चीजें अपने को पता होनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना, फाइंड आउट द एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑन द स्प्रिंग इन गिवन सिचुएशन। मैं सिचुएशन देता हूं, एक सिचुएशन है बच्चे, ध्यान से देखना कि मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, इस तरह का एक स्प्रिंग है, और इस पे मैंने क्या किया है बच्चे, एक एम मास का ब्लॉक रखा है, और ये तो सिचुएशन वन है। और एक सिचुएशन टू है बच्चे, स्प्रिंग है और इस पे एक एम मास का ब्लॉक लटकाया है, स्प्रिंग का स्प्रिंग कांस्टेंट के है दोनों साइड में। आपको पहले में पता करना है, पहले में ऑब्वियस है कंप्रेस होगा, दूसरे में एक्सपांशन होगा, कितना कंप्रेस और कितना एक्सपांशन होगा ये निकालना है बच्चे, है ना। तो कैसे करेंगे ध्यान से देखना, एक बार ये क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करना, स्क्रीनशॉट लेना, खुद से ट्राई करना, और फिर देखना कि अपना आंसर मैच कर रहा है कि नहीं। मैं इसको सॉल्व करूं, ध्यान से देखना, मैं पहले क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, क्वेश्चन को सॉल्व करता हूं, और यहां पे बच्चे पहले फ्री बॉडी डायग्राम बनाऊंगा इस एम ब्लॉक में, बनाए फ्री बॉडी डायग्राम। फ्री बॉडी डायग्राम में बच्चे क्या क्या करता हूं, पहला मैं हमेशा देखता हूं इनविजिबल फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स और कॉन्टेक्ट फोर्स। सर यहां पे mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में तो लग जाएगा, ग्रेविटेशनल फोर्स, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब इस m ब्लॉक पे एक कॉन्टेक्ट पॉइंट ये है बच्चे, कॉन्टेक्ट पॉइंट, ध्यान से देखना बच्चे, ये m ब्लॉक अभी क्या कर रहा होगा, इस स्प्रिंग को कंप्रेस कर रहा होगा या बढ़ा रहा होगा, कंप्रेस कर रहा होगा ना, अच्छा कंप्रेस कर रहा होगा यानी इसको दबा रहा होगा, यानी स्प्रिंग कैसा फोर्स लगाएगा, ऊपर की ओर। तो यहां पर जो स्प्रिंग फोर्स लगेगा बच्चे, कॉन्टेक्ट फोर्स, अभी स्प्रिंग फोर्स लगेगा, और वो कितना लगता है, के इंटू एक्स, एक्स जहां पे क्या होता है, कंप्रेशन होगा यहां पे, कि कितना कंप्रेशन हुआ, बस इसके अलावा कोई चीज नहीं। अगर ये ब्लॉक मेरा इक्विलिब्रियम पे रुका हुआ है तो इसका एक्सेलरेशन सर जीरो होगा, नेट फोर्स जीरो होगा। नेट फोर्स कितना लग रहा है सर, अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है स्प्रिंग फोर्स, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है ग्रेविटेशनल फोर्स। एफ एक्स की वैल्यू के एक्स है और ये एमजी के इक्वल है, यानी एक्स की वैल्यू एमजी बाई के आ जाएगी क्या, यानी कितना कंप्रेशन होगा इस एम ब्लॉक के रखने पर, के mg बाई के, क्लियर है। इसमें बताना बच्चे, इसमें मैंने क्या किया, सेम अब इसमें भी वही काम करूंगा सर। यहां पे मेरे पास एक ब्लॉक है m, इसका सर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। फ्री बॉडी डायग्राम बनाने के लिए मैं क्या करूंगा सर, पहले ग्रेविटेशनल फोर्स देखोगे, ग्रेविटेशनल फोर्स है बाबू mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में। अब देखना बच्चे ये mg क्या कर रहा है, ये फोर्स इस स्प्रिंग को खींच रहा है, एक्सपांड कर रहा है, ठीक है ना। एक्सपांशन करने के लिए अगर ये बढ़ेगा तो स्प्रिंग फोर्स क्या इसको कम करेगा, यानी स्प्रिंग फोर्स क्या इस डायरेक्शन पे लगेगा, और कितना लगेगा बच्चे, के इंटू एक्स, यहां पे एक्स क्या होगा, कितना एक्सपांशन हुआ, है ना। तो यहां से बच्चे इसका भी एक्स इक्विलिब्रियम पे अगर है तो एक्सेलरेशन जीरो और फोर्स जीरो, तो यहां पे बच्चे मैं लिख सकता हूं क्या, mg is equal to kx है, यानी x की वैल्यू mg by k होगा क्या, दोनों में mg by k ही होगा बच्चे, बस यहां पे चेंज ये है कि इस वाले में कंप्रेशन हो रहा है और इस वाले में स्प्रिंग में एक्सपांशन हो रहा है, दोनों चीजों में, क्लियर है, कोई दिक्कत इसमें। चलिए बच्चे एक छोटा सा क्वेश्चन है, फाइंड आउट द एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑन द स्प्रिंग।
इन गिवन सिचुएशन ऑन द स्प्रिंग हैज गिवन स्प्रिंग कॉन्स्टेंट मुझे के दिया है, इस ब्लॉक का मास m है, एंगल 30 डिग्री है, इंक्लाइन प्लेन पे रखा है, आपको बताना है बच्चे यहां कंप्रेशन होगा या एक्सपांशन होगा, अगर कंप्रेशन होगा तो कितना और अगर एक्सपांशन होगा तो कितना, बताना बच्चे। एक बार वीडियो पॉज करना, आंसर निकालना और फिर आप चेक करना कि आंसर आ कितना रहा है। मैं सॉल्व करता हूं बच्चे, मैं सॉल्व कर रहा हूं, मैं फिर से वही काम करूंगा। सर ये मेरे पास सरफेस था, ठीक है ना, ये सरफेस जो है ये थीटा डिग्री पे अभी मैं मान लेता हूं। यहां पे सर मेरे पास ब्लॉक था, इस ब्लॉक का फ्री बॉडी डायग्राम मैं बनाने वाला हूं और यहां पे इसका मास m है, मुझे कोई भी दिक्कत इसमें नहीं है। अच्छा mg बच्चे एक छोटा सा पॉइंट है, उसको दिमाग में याद रख लेना, जहन में डाल लेना, इंपॉर्टेंट चीज है कि मेरे पास कोई इंक्लाइन प्लेन है जिसका इंक्लाइन एंगल थीटा है और यहां पे कोई मास है m ब्लॉक का, तो इसपे अगर डाउनवर्ड डायरेक्शन में mg लग रहा है बच्चे, तो इसके हमेशा दो कंपोनेंट करते हैं, एक इंक्लाइन प्लेन के डायरेक्शन में और इंक्लाइन प्लेन के परपेंडिकुलर। ये बच्चे एंगल थीटा है तो ये 90 माइनस थीटा, तो क्या ये एंगल थीटा हो जाएगा, तो परपेंडिकुलर में जो mg का कंपोनेंट वो आएगा mg cos थीटा और ये आएगा mg sin थीटा। बच्चे ये आपके जहन में आ जाना चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऐसे बहुत सवाल आएंगे जिसमें मुझे कंपोनेंट लेना है और ये लेना ही पड़ेगा मुझे, तो इससे अच्छा बार बार ये करने से अच्छा मेरे दिमाग में ही आ जाए कि परपेंडिकुलर mg cos थीटा पैरेलल mg sin थीटा। तो यहां पे ध्यान से देखना बच्चे, इस m फोर्स पे ग्रेविटेशनल फोर्स इसके डायरेक्शन में लग जाएगा mg sin थीटा और इसके परपेंडिकुलर लग जाएगा mg cos थीटा। अब देखना बच्चे ये mg sin थीटा यहां लग रहा है, यानी ये ब्लॉक इसको दबाने की कोशिश कर रहा है, यानी स्प्रिंग फोर्स कहां लगेगा बच्चे इस पे, इस डायरेक्शन में स्प्रिंग फोर्स लगेगा, यानी स्प्रिंग फोर्स इस पे इस डायरेक्शन पे लगेगा, है ना। स्प्रिंग फोर्स लगेगा कितना, k इंटू एक्स, जहां पे ये x क्या है बच्चे, कंप्रेशन जितना हुआ है उसकी वैल्यू है कि कितना कंप्रेस हुआ है, ये हो गया। अच्छा यहां पे एक कॉन्टेक्ट तो स्प्रिंग से है, एक कॉन्टेक्ट सरफेस से है, तो सरफेस पे भी तो एक लगेगा बच्चे नॉर्मल, इसको n बोल दूं क्या। अब सारा फ्री बॉडी डायग्राम क्लियर है अपना, सर क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है। और ये बच्चे अगर ब्लॉक रुका है तो एक्सेलरेशन जीरो, एफ नेट भी क्या होगा बच्चे जीरो, तो इस डायरेक्शन में अगर एफ नेट जीरो करूंगा तो मेरे पास क्या आएगा बच्चे, स्प्रिंग फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, mg sin थीटा यहां लग रहा है, तो ये हो जाएगा, यानी जो kx है उसकी वैल्यू mg sin थीटा होगी, यानी x की वैल्यू बच्चे mg by k sin थीटा होगा। और यहां पे बच्चे इस डायरेक्शन पे अगर नेट फोर्स जीरो करूं तो नॉर्मल किसके इक्वल होगा, mg cos थीटा के। क्या ये बात मुझे चमक गया, ठीक है ना, बड़ा इजी है यार, जैसे मैं हर चीज को सॉल्व करता था सेम मैं स्प्रिंग फोर्स में भी काम करता हूं, ठीक है ना। तो ये चीज हमेशा समझना, स्प्रिंग अगर एक्सपांशन है अपने नेट लेंथ से तो स्प्रिंग फोर्स जरूर लगाएगा, क्लियर है। चलो बच्चे आगे देखते हैं, अब मैं क्या कर रहा हूं, एक स्प्रिंग नहीं कर रहा हूं, मैं स्प्रिंग का बहुत सारा सिस्टम बना रहा हूं, जैसे पुली का क्वेश्चन किया था ना लास्ट टाइम में, पहले एक पुली लगाया था फिर तीन पुली लगाया था, है ना, तो इसी तरह से मैं क्या कर रहा हूं बच्चे, यहां पे पहला चीज देखना, ये यहां पे जो चीज बता रहा हूं समझना, मैं एक काम करता हूं, यहां एक स्प्रिंग लगाता हूं जिसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के इक्विवेलेंट बोलता हूं, के इक्विवेलेंट क्यों बोल रहा हूं, अभी सारी चीजें समझ में आएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। अब यहां पे एक एम ब्लॉक का ही मास लटकाया हुआ हूं, जहां पे इसमें बच्चे इसकी स्प्रिंग को के वन और इसके स्प्रिंग कॉन्स्टेंट को के टू बोल देता हूं, समझना, केवल समझना, ध्यान से सुनना, के इक्विवेलेंट यहां के वन यहां के टू, यहां पे भी ब्लॉक एम लगाया हुआ हूं और यहां पे भी ब्लॉक एम है, ठीक है ना, ध्यान से सुनना बच्चे, मैं एक काम कर रहा हूं कि पहले ये मेरे पास स्प्रिंग बच्चे अपने नेचुरल लेंथ पे था, एल नॉट, एल नॉट कैसा है अपने नेचुरल लेंथ पे, ध्यान से सुनना, अच्छा नेचुरल लेंथ पे है तो क्या कोई स्प्रिंग फोर्स लगेगा, सर एफ इजकल टू के एक्स होता था, एक्स तो कंप्रेशन या एक्सपेंशन होता था, नेचुरल लेंथ पे तो कोई फोर्स नहीं लगाता था, कोई फोर्स नहीं लगेगा सर, तो यहां पे एक फोर्स लग रहा होगा क्या, mg, सर mg लग रहा होगा और यहां पे और कोई फोर्स नहीं है तो क्या लगेगा, ये m ब्लॉक नीचे आएगा, m ब्लॉक कितना नीचे आएगा, सर मान लेता हूं ये नेचुरल लेंथ l से,
कितना नीचे आ गया, सर x नीचे आ गया, ठीक है ना, ये x नीचे आ गया और ये स्प्रिंग मेरा कम एक्सपांड हो जाएगा। कब तक एक्सपांशन होगा जी, एक टाइम ऐसा आएगा बच्चे जब इस पे एक फोर्स लग रहा होगा kx, और कब तक x बढ़ा होगा, जब तक ये ks mg को रिजोल्व नहीं कर सकता। यानी यहां पे अगर मैं देखूंगा ये k इक्वलेंट आएगा, यानी mg इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चे, k इक्वलेंट इनटू x, है ना, ये चीज समझ में आया। अब ध्यान से देखना बच्चे, यहां पे अगर मैं बात करूं आपसे, ठीक है ना, तो मैं इस ब्लॉक को बोलूं कि अभी ये दोनों स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे थे, अभी अपने नेचुरल लेंथ पे थे, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना, स्प्रिंग पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा, स्प्रिंग कोई फोर्स नहीं लगाएगा, इस पे केवल एक फोर्स लगेगा, कौन सा सर, ग्रेविटेशनल फोर्स mg। क्या यहां तक बातें समझ में आई, ठीक है सर। अब ध्यान से देखना mg क्या करेगा, इस ब्लॉक को नीचे खींचेगा, नीचे कब तक खींचेगा, एक ही टाइम तक खींचेगा, कब तक खींचेगा बच्चे, ध्यान से देखना, उस टाइम तक खींचेगा, ये मेरे पास ये भी कुछ जो k1 वाला कांस्टेंट वाला स्प्रिंग है ये भी एक्सपांड हो जाएगा, कितने से सर, x से ही होगा, ध्यान से देखना, ये भी, और ये वाला स्प्रिंग जो है बच्चे ये भी क्या हो जाएगा, x से ही एक्सपांड हो जाएगा, समझ रहे, मतलब अपने नेचुरल लेंथ से x पे एक्सपांशन हो गया, और कब तक होगा, तब जब तक कि ये नेट फोर्स ये जीरो ना हो जाए। अब ध्यान से देखना, देखना स्प्रिंग वन और ये स्प्रिंग टू है, स्प्रिंग फोर्स x से क्या हुआ, एक्सपांड हुआ, यानी इस पे फोर्स इस डायरेक्शन पे लगेगा, कितना स्प्रिंग कांस्टेंट इनटू एक्सपांशन, वन वाले में भी एक्स एक्सपांशन हुआ है, टू वाले में भी एक्स, तो इस पे फोर्स के वन एक्स वन लगेगा और इस पे फोर्स बच्चे के टू एक्स लगेगा, क्योंकि एक्सपांशन तो दोनों में सेम हुआ है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के वन है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के टू है, तो बच्चे यहां से एफ इक्वलेंट जीरो करूं तो ऊपर लगने वाला फोर्स क्या है, के वन एक्स प्लस के टू एक्स इक्वल टू नीचे लगने वाला फोर्स क्या है बच्चे, mg। अब यहां पे ध्यान से देखना बच्चे, के वन एक्स प्लस के टू एक्स अगर कर दूं और यहां से मैं mg की वैल्यू k इक्वलेंट इंटू x कर दूं, तो क्या x x x कट जाएगा, तो यहां से एक इक्वेशन निकल रहा है बच्चे, k1 प्लस k2 इज इक्वल टू k इक्वलेंट। अब समझने की कोशिश करना k इक्वलेंट का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि भैया चाहे आप एक स्प्रिंग k इक्वलेंट का यूज कर लो, चाहे आप दो स्प्रिंग k1 और k2 का इस तरह से यूज कर लो, दोनों सिचुएशन में स्प्रिंग का एक्सपांशन x होगा। तो चाहे मैं इस तरह के चीजों को देखूं, चाहे इस तरह की चीजों को देखूं, दोनों में रिजल्ट क्या है, m ब्लॉक का मास x क्या कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है, दोनों का जो ये m मास है x ही डिस्प्लेस, यानी रिजल्ट मुझे सेम दिख रहा है, इसी को इक्वलेंट बोलते हैं बच्चे। अब ध्यान से देखना ये इक्वलेंट आपको कैसा नजर आएगा, ये दोनों आपको क्या पैरेलल नजर आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि एक स्प्रिंग दूसरे स्प्रिंग के पैरेलल है, तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं बच्चे। जब मैं यहां पे देखना दो स्प्रिंग एक साथ लगे हैं ना कॉम्बिनेशन में, कैसे है पैरेलल, तो इसको मैं पैरेलल कॉम्बिनेशन बोल रहा हूं, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मैं देखूं तो इन दोनों के जगह पे मैं इस अकेले के इक्वलेंट का क्या लगा सकता हूं, स्प्रिंग लगा सकता हूं। कैसे निकालूंगा के इक्वलेंट, सर के इक्वलेंट इक्वल टू के वन प्लस के टू होगा। अच्छा इसी तरह मैं अगर तीन स्प्रिंग लगा दूं K1, K2, K3 का, तो K इक्वलेंट कितना आ जाएगा, K1 प्लस K2 प्लस K3, यानी ये तीनों जितना फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन में लगाएंगे, ठीक है, उतना ही फोर्स K इक्वलेंट वाला लगाएगा अपवर्ड डायरेक्शन में, बस यही मतलब है, समझ में आया। इक्वलेंट का बेसिकली मतलब भी तो यही होता है, आप डेली लाइफ में अगर मैं आपसे पूछूं भैया इक्वलेंट का मतलब बताओ क्या होता होगा, सर ये बंदा और ये बंदा दोनों किसी एक सेम क्वांटिटी के लिए बराबर नजर आ रहे हैं, ठीक है ना, जैसे मेरे पास एक बंदा है एक बंदा ये है, दोनों का पावर सेम है, तो मैं क्या कहूंगा, दोनों बंदे एक दूसरे के पावर के लिए इक्वलेंट है, या फिर मैं कहूं एक बंदा हल्क है और दो छोटे छोटे बंदे हैं, एक हल्क की पावर इन दोनों के पावर से क्या कर रही है, सेम बैठ रही है, तो मैं क्या कहूंगा, ये हल्क और ये दोनों बंदों की पावर इक्वलेंट है, यही तो बोलूंगा, यानी वही चीज कि ये दोनों में जो लग रहा है फोर्स वो किसके इक्वलेंट है, इसके इक्वलेंट में स्प्रिंग में लगने वाले फोर्स के, एग्जैक्टली ठीक है ना बच्चा। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि मेरे पास यहां पे ब्लॉक एम है,
ये मेरे पास तीन स्प्रिंग है, K2K3K, मुझे बताना है इस स्प्रिंग में कितना एक्सपांशन होगा, ये मुझे फाइंड आउट करना है बच्चे, बताना, पॉज करना ठीक है ना, आंसर बताना और फिर देखना कि मेरे पास क्या आ रहा है, ध्यान से देखना। मेरे पास ब्लॉक M है, देखना K2K3K क्या ये पैरेलल सीरीज में आपको दिख रहे हैं, पैरेलल सीरीज में दिख रहे हैं, पैरेलल सीरीज में दिख रहे हैं, तो बच्चे K इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होगी, K1 प्लस K2 प्लस K3, K1 की वैल्यू K है, K2 की वैल्यू 2K है, K3 की वैल्यू 3K है, तो कितनी हो जाएगी 6K K इक्विवेलेंट। यानी मैं चाहे अलग अलग ये तीन लगा दूं या चाहे बच्चे क्या लगा दूं 6K स्प्रिंग कॉन्स्टेंट का एक स्प्रिंग लगा दूं। अब यहां पे देखना mg नीचे लगेगा और इस पे एक स्प्रिंग कॉन्स्टेंट फोर्स लगेगा fs, ठीक है ना, fs लगेगा ऊपर कितना mg के इक्वल, और fs की वैल्यू कितनी होगी k इक्वलेंट इंटू एक्सपांशन जितना हुआ, तो एक्सपांशन कितना हो जाएगा बच्चे mg डिवाइड बाई 6k, या k इक्वलेंट बोल दूं, k इक्वलेंट की वैल्यू कितनी आ रही है 6k, तो ये चीज याद रखे रहना, क्लियर है। चलो बच्चे एक छोटा सा और क्वेश्चन है कि मेरे पास एक ब्लॉक M है, यहां पे एक स्प्रिंग K है, यहां पे 2K जुड़ा हुआ है, आपको बताना है कि इस स्प्रिंग और इस स्प्रिंग में कितना एक्सपांशन हुआ है या कंप्रेशन हुआ है, फाइंड आउट द एक्सपांशन एंड कंप्रेशन ऑफ ईच स्प्रिंग। ध्यान से देखना बच्चे, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको एक चीज बताऊंगा, बस वो आपको दिमाग में रखना है, दैट्स इट। आपको ना ही पैरेलल याद रखना है, ना ही सीरीज या का कोई चीज याद रखना है, जो अभी पॉइंट बताऊंगा बस वो दिमाग में रखना। एक बार आप अपने से मेहनत करना, ठीक है ना, सारी चीजें सोचना कि किस तरह से मेरा ब्लॉक होगा, कौन सा स्प्रिंग कंप्रेस होगा, कौन सा एक्सपांशन होगा, ठीक है ना, कितना होगा, उसके वजह से बैलेंस फोर्स करना, वो सब करने के बाद एक बार फिर ये मैं जो सॉल्यूशन कर रहा हूं वो करना, ठीक है ना। मैं सॉल्यूशन करता हूं बच्चे, ध्यान से सुनना, मैं मान लेता हूं, मैं मानता हूं बच्चे, ध्यान से सुनना, कि एक टाइम ऐसा होगा कि ये दोनों स्प्रिंग मेरे पास कैसे होंगे, अपने नेचुरल लेंथ पे, अपने नेचुरल लेंथ पे होंगे, ठीक है ना, ये भी अपने नेचुरल लेंथ एल नॉट पे होगा, ये भी अपने नेचुरल लेंथ एल नॉट पे होगा, इसकी स्प्रिंग कॉन्स्टेंट के है, इसको मैं अभी K1 मान लेता हूं, इसको मैं K2 मान लेता हूं, ये मास M है, ठीक है ना। अच्छा ध्यान से देखना, अगर स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे है तो क्या स्प्रिंग पे कोई फोर्स लगेगा, आप बोलोगे नहीं सर, स्प्रिंग का फोर्स होता है KX, अगर X जीरो है तो स्प्रिंग फोर्स जीरो, तो इस पे केवल एक ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा बच्चे mg, और स्प्रिंग फोर्स तो लगेगा ना क्योंकि नेचुरल लेंथ पे है, तो क्या होगा mg क्या नीचे जाएगा, ऐसा तो नहीं इनफाइनाइट तक नीचे जाएगा, एक पॉइंट तक ही नीचे जाएगा, तो क्या करेगा K2 वाले स्प्रिंग को कंप्रेस करेगा, ये स्प्रिंग कंप्रेस होगा और ये स्प्रिंग बच्चे एक्सपांशन होगा। अच्छा देखना ये कहां गया बच्चे, X नीचे गया, देखना ये ब्लॉक M ब्लॉक जो है X नीचे चला गया। अब ध्यान से देखना यहां पे क्या हो रहा है, ये K2 वाला बच्चे कितना कंप्रेस हुआ, ये कंप्रेस हुआ कितना X, ये वाला बच्चे K1 वाला क्या हुआ एक्सपांशन हुआ, इसका कितना हुआ एक्स ही हुआ ना, देखना ये नेचुरल लेंथ से एक्स एक्सपांड हो गया, ये नेचुरल लेंथ से एक्स कंप्रेस हो गया, समझ में आया। कंप्रेस होने वाला जो ब्लॉक जो स्प्रिंग है बच्चे, वो इस पे एक स्प्रिंग फोर्स लगाएगा जिसको मैं FS2 बोल देता हूं, यानी स्प्रिंग 2 फोर्स लगाया, ये कंप्रेस हो रहा है यानी ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा, ये बच्चे एक्सपांड हो रहा है तो ये भी ऊपर की ओर फोर्स लगाएगा क्या भैया, ये एक्सपांशन हुआ तो ये क्या करेगा अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा, यानी इस डायरेक्शन पर फोर्स लगाएगा जिसे मैं FS1 बोल लूं, और इस पे बच्चे एक ग्रेविटेशनल फोर्स भी लगेगा कितना सर mg, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पे अभी ये रेस्ट पे है यानी एक्सटर्नल फोर्स जीरो है, ठीक है, यहां पे आके ये रुक गया, एक्सटर्नल फोर्स जीरो है तो बच्चे देखना mg डाउनवर्ड डायरेक्शन में नेट फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन के फोर्स के बराबर होगा, यानी FS1 प्लस FS2 इज इक्वल टू क्या mg आएगा, mg आया ना। अब ध्यान से देखना FS1 FS2 कितना हो जाएगा बच्चे, FS1 हो जाएगा K1x प्लस
K2X और ये Mg हो जाएगा। और यहां से देखना बच्चे x की वैल्यू Mg अपॉन K1 प्लस K2 आ गई, और इसी को तो बच्चे Mg अपॉन K इक्वलेंट अभी बोला था। यानी यहां पे देखना आपको लग नहीं रहा है कि ये दोनों पैरेलल में हैं, बट एक्चुअली में इनका जो इक्वलेंट फोर्स आ रहा है, इक्वलेंट स्प्रिंग कांस्टेंट आ रहा है, वो K1 प्लस K2 ही आ रहा है। यानी इस सिस्टम का अगर मुझसे कोई K इक्वलेंट पूछता तो भी मैं क्या बोलता, K1 प्लस K2। ध्यान से सुनना क्यों ऐसा हुआ। अब मैं पैरेलल और सीरीज आप कभी भी दिमाग में मत रखना, आप बस ये याद रखना कि मेरे पास ऐसे स्प्रिंग जिनमें सेम एक्सपांशन हुआ। यहां पे देखना अगर ये ब्लॉक एक्स नीचे गया तो ये एक्स कंप्रेस हुआ और एक्स ये एक्सपांड हुआ। मतलब अगर एक्स की वैल्यू सेम हो गई तो मेरा के इक्वलेंट K1 प्लस K2 होगा, अदरवाइज आप जो अभी अलग बताने वाला हूं उसको मान के चल लेना। तो आपके दिमाग में हमेशा क्या होना चाहिए कि अगर एक्स की वैल्यू दोनों स्प्रिंग के लिए सेम आ रही है तो कैसा कॉम्बिनेशन होगा, वो पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी के इक्वलेंट इज इक्वल टू K1 प्लस K2, दैट्स इट। क्लियर है, ये पॉइंट समझ में आया सारा। चलो अच्छा एक छोटा सा यहां पे सीरीज कॉम्बिनेशन आता है, इसको समझना ठीक है ना, और फिर बात करना सीरीज कॉम्बिनेशन क्या। अगर मेरे पास बच्चे पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप देखोगे कि ध्यान से देखना, पहले पैरेलल कॉम्बिनेशन तीनों स्प्रिंग अलग अलग जुड़े थे, कोई भी स्प्रिंग एक दूसरे से नहीं जुड़ा था, तीनों स्प्रिंग एक ब्लॉक से जुड़े हुए थे, इस तरह के क्या बोलता हूं पैरेलल कॉम्बिनेशन। इसमें कोई के इक्वलेंट पूछो तो डायरेक्ट जोड़ दोगे। इसमें भी ध्यान से देखना ये स्प्रिंग और ये स्प्रिंग किससे जुड़े थे, एक ही ब्लॉक से जुड़े थे, एक ही ब्लॉक से जुड़े हुए थे ना। क्या ये एक स्प्रिंग ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हैं, नहीं, एक ही ब्लॉक से जुड़े हैं, यानी पैरेलल कॉम्बिनेशन में। यहां पे देखना सीरीज कॉम्बिनेशन में एक स्प्रिंग अगर दूसरे स्प्रिंग से जुड़ा है तो मैं क्या बोलता हूं, उसे सीरीज कॉम्बिनेशन बोलता हूं। बच्चे समझ में आया। अब सर इस सिस्टम के K इक्वलेंट का क्या मतलब हुआ, ध्यान से सुनना। देखना क्या है बच्चे कि अगर मैं यहां पे K1 मान लूं, इसे K2 स्प्रिंग कांस्टेंट मान लूं और ये दोनों इस ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, तो ध्यान से देखना मैं जो कर रहा हूं उसको अभी समझ में आएगा सारा, मैं बना लेता हूं। मैं कहता हूं ये स्प्रिंग 1 है K1 वाला और ये स्प्रिंग 2 है K2 वाला, ठीक है ना। ये दोनों अपने नेचुरल लेंथ पे थे बच्चे, ये भी अपने नेचुरल लेंथ L0 पे है और ये भी अपने नेचुरल लेंथ L0 पे है, ये ब्लॉक M है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपने क्या किया, आपने एक फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाना शुरू किया F, क्या होगा स्प्रिंग एक्सपांड करेगा। ऐसा तो नहीं है कि स्प्रिंग एक्सपांड करते हुए इंफिनाइट तक जाएगा, नहीं ना, ब्लॉक को खींचा खींचा और एक टाइम के बाद ब्लॉक रुक जाएगा, ब्लॉक रुक जाएगा। मैं मान लेता हूं कि भैया यहां से यहां ब्लॉक चला, ठीक है ना, तो ये भी कुछ एक्सपांड करा, ठीक है ना, और ये स्प्रिंग भी कुछ एक्सपांशन किया। देखना ये मेरे पास टोटल 2L लेंथ था, यहां से यहां ब्लॉक जो है x डिस्प्लेसमेंट चला, ब्लॉक कितना चला x, ध्यान रखना मैं अभी ये एक्सपांशन नहीं बोल रहा हूं, ब्लॉक कितना चला, ब्लॉक x चला बच्चे, ब्लॉक पहले यहां था, अब m वाला ब्लॉक यहां पे चला है, इस पे फोर्स लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स F। अब ध्यान से सुनना, मैं ये मानता हूं, मुझे बताना ये जो x एक्सपांड हुआ ये इसका भी, यानी स्प्रिंग फर्स्ट का भी कुछ ना कुछ एक्सपांशन होगा, स्प्रिंग टू का भी, क्या दोनों का एक्सपांशन x है, नहीं, इसका कुछ हुआ होगा x1, इसका कुछ हुआ होगा x2, मुझे नहीं पता, मैं मान लेता हूं, ठीक है ना। तो मैं मान लिया कि सर आपने जो काम किया ना इसमें ये जो है ये x1 क्या किया बच्चे, एक्सपांड किया, और ये जो है ये x2 एक्सपांशन कर गया, यानी स्प्रिंग 1 का जो एक्सपांशन है, एक्सपांशन इन स्प्रिंग 1, ये कितना हुआ बच्चे x1, और एक्सपांशन इन स्प्रिंग 2 ये कितना हुआ बच्चे x2, ठीक है ना। अब ध्यान से देखना मैं फ्री बॉडी डायग्राम केवल इस बॉडी m बॉडी का बना रहा हूं, m बॉडी का फ्री बॉडी डायग्राम बनाना। सर फ्री बॉडी डायग्राम में सबसे पहले ग्रेविटेशनल फोर्स देखेंगे, mg लग रहा है, एक्सटर्नल फोर्स देखेंगे, यहां पे F लग रहा है।
अब कांटेक्ट फोर्स देखेंगे। सर एक कांटेक्ट पॉइंट ये है, एक कांटेक्ट पॉइंट स्प्रिंग से है, तो नॉर्मल फोर्स एक लगेगा सरफेस के कारण और एक स्प्रिंग के कारण लगेगा। देखना बच्चे इस ब्लॉक पे कौन जुड़ा हुआ है, क्या K2 वाला स्प्रिंग जुड़ा हुआ है? तो स्प्रिंग ये वाला जुड़ा हुआ है ना, तो यहां पर स्प्रिंग फोर्स कौन लगाएगा? टू वाला। और कैसा लगाएगा? एक्सपांड की हो तो इस डायरेक्शन पे लगाएगा, तो यहां पे एक फोर्स लगेगा कितना बच्चे? एफ एस टू। स्प्रिंग फोर्स लगेगा किसके कारण? दूसरे वाले स्प्रिंग के कारण। अब दूसरे वाले स्प्रिंग की वैल्यू कितनी है? K2 इनटू दूसरे वाले स्प्रिंग पे एक्सपांशन हुआ था H2, है ना। अब यहां पे ध्यान से देखना, K2 X2 की वैल्यू Fk इक्वल आ गई, क्लियर है? अब समझना इस चीज को। अब मैंने क्या बोला बच्चे कि ये जो ज्वाइंट सेक्शन है, जैसे आपने क्या किया, ये स्प्रिंग भी मेरा एक्सपांड हुआ और ये वाला भी स्प्रिंग क्या हुआ बच्चे? एक्सपांशन हुआ। ये एक्स वन, ये एक्स टू हुआ और ये बच्चे एक्स वन हुआ, मतलब इसमें जो लेंथ इंक्रीज हुआ वो एक्स वन हुआ, इसमें एक्स टू हुआ। अब ध्यान से देखना बच्चे, ये जो ज्वाइंट सेक्शन है, इस पॉइंट ए का मैं फ्री बॉडी डायग्राम बना रहा हूं। अब ध्यान से देखना बच्चे, इस पॉइंट पे ये स्प्रिंग इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा कितना? भैया आपने इसको बढ़ा दिया ना, तो ये तो इस डायरेक्शन पे लगाएगा, तो आपको दिख ही रहा है ए पे इस डायरेक्शन पे फोर्स लगाएगा कितना? एफ एस टू। इस पे कौन सा फोर्स लगाएगा? ये कितना? एफ एस वन। एफ एस टू की वैल्यू सर के टू एक्स टू होगा, एफ एस वन की वैल्यू के वन एक्स वन होगा। एक तो ये इक्वेशन निकल के आया। ध्यान से देखना बच्चे, ये एक्स वन बढ़ा, ये एक्स टू बढ़ा, तो एक्स वन प्लस एक्स टू की ही क्या एक्स के इक्वल होगा? तो आपको एक इक्वेशन निकला x1 वन प्लस एक्स टू इजकल टू एक्स के। भैया ये स्प्रिंग x1 आगे बढ़ा, ये स्प्रिंग x2 आगे बढ़ा, तो नेट ब्लॉक कितना आगे बढ़ जाएगा? x1 वन प्लस एक्स टू, और वही x1 वन प्लस एक्स टू ही क्या है? x है। अब यहां से बच्चे देखना, x1 और x2 की वैल्यू निकालना, मुझे x2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो x2 की वैल्यू बच्चे, तो x1 की वैल्यू क्या हो जाएगी? k2 x2 डिवाइड बाई k1 प्लस x2 इजकल टू x। तो यहां से बच्चे ध्यान से देखना, अगर मैं x2 हटा दूं, ठीक है ना, x2 कॉमन ले लूं, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी? k2 अपॉन k1 प्लस 1 इज इक्वल टू x। ये चीज समझ में आया? देखना बच्चे, अभी मैं क्या कहूं कि इस k1 k2 की जगह पे मैं एक k इक्वलेंट का स्प्रिंग ले आता और इस पे फोर्स f लगाता, तो आप क्या कहते हैं? सर f इज इक्वल टू k इक्वलेंट इंटू एक्स हो जाता, है ना। तो अब बच्चे यहां पे ध्यान से देखना, x की वैल्यू यहां पे ध्यान से देखना, एफ एस टू एफ के इक्वल होगा, यानी k x2 की वैल्यू क्या है? f, यानी x2 की वैल्यू f बाई के टू लिख लू, f बाई के टू, तो ये k2 टू डिवाइड बाई के वन प्लस वन और इक्वल टू x, x की वैल्यू यहां से पुट करूं वो f बाई के इक्वलेंट आएगा, f बाई के इक्विवेलेंट, एफ से बच्चे एफ कट जाएगा। इस इक्वेशन को सॉल्व करना बच्चे, तो आपको एक रिजल्ट आएगा, ठीक है, क्या आएगा मेरे पास? वन बाई के इक्विवेलेंट इजकल टू वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू। ध्यान रखना बच्चे, ये इक्वेशन कब लगाऊंगा? जब स्प्रिंग आपस में जुड़े हुए, यानी सीरीज में हो, तो सीरीज और पैरेलल नहीं याद रखना है आपको, बस इतना याद रखना है कि स्प्रिंग आपस में जुड़े हुए हो, तो k इक्विवेलेंट 1 अपॉन k इक्विवेलेंट इक्वल टू 1 अपॉन k1 प्लस 1 अपॉन k2 प्लस 1 अपॉन k3 के द्वारा लगाना है। और अगर स्प्रिंग एक दूसरे से नहीं जुड़े हैं, ब्लॉक से ही केवल जुड़े हैं, तो उसमें मैं पैरेलल की तरह लगाऊंगा, यानी k इक्विवेलेंट इक्वल टू k1 प्लस k2 प्लस k3, क्लियर है। अब बच्चे कुछ क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कर लेना। जैसे मैंने आपको एक स्प्रिंग दिया, ठीक है ना, कुछ इस तरह से, ठीक है ना, एम ब्लॉक है, मुझे पता करना है फाइंड आउट द नेट एक्सपांशन ऑफ ब्लॉक एम। एम मास के ब्लॉक में कितना एक्सपांशन होगा, वो कितना डिस्प्लेस होगा? इसकी है 2k, इसकी है 4k, ठीक है ना। ये तो पहला क्वेश्चन है, तुरंत सॉल्व करना, आंसर आ भी गया होगा मेरे ख्याल से। एक क्वेश्चन ये है मेरे पास बच्चे, ध्यान से देखना, एक स्प्रिंग है जिसका 2k है, एक स्प्रिंग है जिसका 4k है स्प्रिंग कांस्टेंट, और एक स्प्रिंग मैंने ऐसे लगाया हुआ है और उसको m ब्लॉक से जुड़ा है और इसका स्प्रिंग कांस्टेंट 6k है। दोनों क्वेश्चन है बच्चे, क्वेश्चन का सॉल्व करना।
पहले क्वेश्चन में देखना, क्या ये दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं? स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए तो कैसे होंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में के इक्विवेलेंट कैसे निकालते हो सर? कैसे निकालते हो? वन अपॉन के इक्विवेलेंट इज इक्वल टू वन अपॉन के वन प्लस वन अपॉन के टू। तो वन अपॉन के वन की वैल्यू टू के है, वन अपॉन के टू की वैल्यू फोर के है, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर के टू प्लस वन, यानी के इक्विवेलेंट मेरे पास आ जाएगा बच्चे फोर के डिवाइड बाई थ्री, है ना। अब अगर के इक्विवेलेंट फोर के डिवाइड बाई थ्री आया तो इस बॉडी का एफबीडी बनाना, सर नीचे लगेगा mg, ऊपर लगेगा के इक्विवेलेंट इंटू एक्स, तो mg इज इक्वल टू मेरे पास के इक्विवेलेंट x आएगा। तो यहां से बच्चे x की वैल्यू क्या आ जाएगी, ध्यान से देखना, x की वैल्यू आ जाएगी mg बाई के इक्विवेलेंट, यानी mg अपॉन के इक्विवेलेंट कितने आ जाएगा? फोर के बाई थ्री, यानी थ्री बाई फोर mg बाई के। क्या चमक गया बच्चे? केवल आपको क्या देखना है, ये दोनों ब्लॉक, ये दोनों स्प्रिंग किससे जुड़े हैं? एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, यानी यहां पे फॉर्मूला लगेगा वन बाई के वन प्लस वन बाई के टू। ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करना बच्चे, आंसर आ भी गया होगा कुछ लोगों का, मैं बताता हूं कैसे। ध्यान से, ये मेरे पास एक स्प्रिंग है, ठीक है ना, एक स्प्रिंग और ये दूसरा स्प्रिंग। इस स्प्रिंग का स्प्रिंग कॉन्स्टेंट टू के है, इसका फोर के है, और ये मेरे पास एक छोटा सा स्प्रिंग है पूरा का पूरा, इसका स्प्रिंग कॉन्स्टेंट सिक्स के है। ध्यान से देखना बच्चे, इसको सॉल्व करूंगा तो ये दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, ये दोनों स्प्रिंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, तो बच्चे बताना यहां पे के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा? के इक्विवेलेंट हो जाएगा सर बच्चे वन अपॉन के इक्विवेलेंट वन पॉइंट के वन प्लस वन अपॉन के टू, यानी के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या बच्चे? फोर बाई थ्री के आ जाएगा, क्या यहां पर आ जाएगा। अब देखना, ये इस वाले का के और ये सिक्स के, ये दोनों एक दूसरे ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, इसका तो के इक्विवेलेंट आ ही गया और इसका बच्चे क्या है? सिक्स के है, तो ये दोनों एक ब्लॉक से जुड़े हुए हैं, मतलब ये के इक्विवेलेंट और ये सिक्स के, ये दोनों किस में होंगे बच्चे? पैरेलल सीरीज में। यानी के इक्विवेलेंट जो नेट आएगा मेरे पास वो कितना आएगा? के इक्विवेलेंट प्लस सिक्स के, यानी फोर बाय थ्री के प्लस सिक्स के, यानी छह का छह बारह अट्ठारह, अट्ठारह चार बाईस, 22 डिवाइड बाई थ्री के। अब यहां पे बच्चे M ब्लॉक का मास था तो इसकी एफबीडी बनाऊंगा, तो एम जी नीचे और K इक्विवेलेंट इन टू एक्स ऊपर, तो एम जी की वैल्यू K इक्विवेलेंट और X हो जाएगा, यानी X की वैल्यू कितनी आ जाएगी? एम जी अपॉन K इक्विवेलेंट यानी 22 डिवाइड बाई थ्री के। क्या क्वेश्चन समझ में आया सबको? इसी तरह से सॉल्व करना है यार बच्चे, स्प्रिंग के जितने क्वेश्चन है इसी तरह से होंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है बच्चे, ठीक है ना। आप कहीं का भी किसी भी तरह का कोई क्वेश्चन आ जाए आपको कोई दिक्कत नहीं होगा, बस आपको याद क्या रखना है, स्प्रिंग जुड़े तो सीरीज पैरेलल, सॉरी सीरीज का है, और अगर स्प्रिंग एक ही ब्लॉक से जुड़े हैं तो पैरेलल, मतलब डायरेक्ट जोड़ देंगे, इसमें वन बाई करके जोड़ना है, दैट्स इट, ठीक है, समझ में आया। स्प्रिंग में बच्चे और किसी भी तरह का क्वेश्चन नहीं बनता। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे हमारा अब शुरू होगा F इक्वल टू ma, यानी अभी तक हम इक्विबिलियम पे बात कर रहे थे, ब्लॉक इक्विबिलियम पे था, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में अपने बात करेंगे कि अगर ब्लॉक मेरे किसी एक्सेलरेशन से मूव कर रहा हूं, ब्लॉक को मैं मूव करा रहा हूं, तब क्या होगा, टेंशन कैसे होगा, क्या होगा, और उसी टाइम पे मेरे पास बात भी आता है बच्चे इनर्शियल नॉन इनर्शियल फ्रेम, जिसे आप सूडो फोर्स छद्म बल कहते थे, ये सारी चीजों के बारे में बच्चे बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाकी मुझे पता है कि ये लेक्चर आपको क्लियर समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं हुई होगी, ठीक है ना बच्चे। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं बच्चे, ठीक है ना, एंजॉय करिएगा अपना दिन, टाटा, गुड बाय, गुड डे।